योगी आदित्यनाथ जी से मांग करना चाहते हैं कि हमारी बेटी नाबालिग है, हमें संदेह है कि पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, जल्दी से जल्दी हमारी बेटी को दिलाएं और हमें न्याय दिलाएं, क्योंकि यहाँ हमें संग्रामपुर थाने में न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगभग 20 दिनों पहले महिला की नाबालिग बेटी का हुआ अपहरण, पुलिस ने बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा किया दर्ज। बेटी की बरामदगी के लिए दर दर ठोकरे खा रही है माँ। महिला ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर जहां योगी सरकार एक तरफ सख्त नजर आ रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक महिला अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी के लिए लगभग 20 दिनों से लगातार पुलिस अधिकारियों और थाने का चक्कर लगा रही है। महिला का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ करने के बजाय पीड़ित महिला को ही रोज थाने बुलाकर पूछताछ कर रही है। पूरा मामला संग्रामपुर थाने का है, जहां बीते 12 जनवरी की शाम घर पर अकेली मौजूद नाबालिग लड़की घर से लापता हो गई। पीड़ित मां ने पड़ोस गांव के ही दबंगों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए संग्रामपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने अपहरण की तहरीर लेने से इनकार करते हुए बहला फुसलाकर भगा ले जाने की तहरीर लेकर FIR दर्ज कर लिया था। घटना के लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, नाबालिग लड़की और आरोपियों का कहीं अता पता नहीं चल पाया है। इस दौरान पीड़ित मां रोज संग्रामपुर थाने से लेकर अमेठी CO, SP और IGRS पोर्टल पर मुख्यमंत्री से बेटी की बरामदगी और न्याय की गुहार लगा रही है, जबकि IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण पुलिस प्राथमिकता के आधार पर करती है। सर, घटना 12 तारीख शाम की है। हमारी नाबालिग बेटी जो कि कक्षा 9 में पढ़ती है, घर में अकेली थी और मैं बाजार गई थी। घर में अकेली जान करके दबंग, बगल के ही दबंग लोगों ने हमारी बेटी का अपहरण कर लिया है। और अगले दिन मैं थाने को सूचना दिया, थाने रिपोर्ट दिखाने की हमारी बेटी का अपहरण हो गया है, तो उन्होंने कहा कि बहला फुसला कर ले गए हैं, ऐसा तहरीर में लिख दिया जी। FIR दर्ज किया है और तब से ना उनके ऊपर कोई कार्यवाही हो रही है, और तब से मैं हर CO साहब के यहाँ भी गई, SP साहब के यहाँ भी, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बगल के धीरेंद्र सिंह बीको और एक सलमान, जिस पुलिस कोई कार्यवाही नहीं की है। CO साहब के यहाँ हम गए थे, कह रहे हैं कि काम कर रही है, कोई लोकेशन आप दीजिए तो हम चलें जहाँ बताएं जी। नहीं, न उनके परिजनों को पकड़ रही है, न उनके ऊपर दबाव डाल रही है, हमें रोज थाने बुलाती है जी। हम योगी आदित्यनाथ जी से मांग करना चाहते हैं कि हमारी बेटी नाबालिग है, हमें संदेह है कि पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, जल्दी से जल्दी हमारी बेटी को दिलाएं और हमें न्याय दिलाएं, क्योंकि यहाँ हमें संग्रामपुर थाने में न्याय नहीं मिल पा रहा है जी। हमें लगातार धमकी भी दी जा रही है कि आपको, आपके लड़के को, आपकी बेटी को जो है फिर अपहरण कर लिया जाएगा, और जितना चाहे जितना दौड़ो, आपको आपका कुछ नहीं होगा, ना आपकी बेटी मिल पाएगी। इसके साथ ही पीड़ित मां ने अमेठी SP और CO को भी अपहरण की तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित मां को आशंका है कि दबंग उसकी बेटी की हत्या ना कर दिए हो, क्योंकि दबंग लगातार पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बेटी की बरामदगी के लिए CO ऑफिस जाने के बाद अमेठी CO पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द लड़की को बरामद करने का आदेश देने के बजाय पीड़ित से ही लोकेशन पूछ रहे हैं, जबकि आरोपियों के परिवारों से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है, तो वहीं थाने और पुलिस अधिकारी का चक्कर लगाकर परेशान हुई नाबालिग बेटी की बरामदगी के लिए मां अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर रोते हुए बेटी की बरामदगी और न्याय दिलाने की गुहार कर रही है। अमेठी से यह खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।